देखिए त्रिमूर्ति कष्ट के माध्यम से हम आपके समस्त राजा परीक्षित लीला कहने के लिए जा रहे हैं। बड़े गौर से सुनेंगे। एक दिन क्या होता है पातालपुरी में, वासिक के दरबार की शोभा कहीं न जाए, अति विचित्र में फिल सजी सो इंद्र सभा शर्माए। बंधु राजा वासिक के यहां दरबार लगा हुआ है और कैसी शोभा है सुनो गौर से। अरे जगमग तो वहां पर है रही है और नाचे परी खिलौना है। जगमग तो वहां पर है रही है और नाचे परी खिलौना है। और क्या एक से एक मलूक खड़े नागिन के सुंदर छोना है। और क्या भैया अब तरह तरह के बिछियर बैठे बिछरे किलम बिछोना थी। और वो दादासियों कहे चले नहीं उन पर जादू टोना है। बड़े बड़े मनधारी नाग आज वासिक के दरबार में बैठे हैं, इधर नाच हो रहे हैं, परियां नाच रही हैं और गाने बजाने हो रहे हैं। वहां हमारे राम भी तूफानी भी मौजूद हैं। और क्या हो रहा भैया देखिए कौन कौन से नाग हैं। अरे धामिन और भुजंग पवन के संग चले अपुड़ारे, ये चले चटकनी चाली रे चतुर चूर चौतारे। तत्काल करे भूचाल मूंगिया न्यारे, और कछु के उर में भंकी है कछु लंबी मूछ निवारे। आज मेरे नौजवानों ऐसे ऐसे नाग वहां सभा में मौजूद हैं। और क्या अरे झुकी रही है पोनिया कारे, अरे झुकी रही है पोनिया कारे, जे तो जहरी नाग करारे। अरे चित्ती टीला टोल के भारे 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 दी भारे, और कछु हंस राज भटियारे। ऐसे ऐसे नाग वहां विराजमान हैं। और मेरे नौजवानों इधर में क्या अरव ताको वीर बड़ो रणधीर भूप वहां पारत पहुंचो आए, बैठे मणधारी नाग सभा की शोभा कहीं जाए। ताको बंधु आज दरवाजे पे खड़ा है। और क्या भैया रामवीर इधर में क्या होता है कि अर्जुन पातालपुरी यानी वासिक के पास चलते हैं। आए अर्जुन राय सेसने धाई पास बैठा रे, जाने बड़ी खुशी के साथ रे वचन तो आज उचारे। हाँ क्यों नहीं राजा वासिक, आज हम तुम्हारे पास आए हैं, आइए बैठिए मेरे पास। और क्या हुआ मेरे बंधुओं, आज वासिक कहने लगे हैं हे अर्जुन हम आपस में एक खेल खेलना चाहते हैं।
कौन सा? अब लेनी सार मगाए दई बिछवाए हो लंबे मारे हो लंबे मारे पारत से बासिक आजुरे कहे नप प्यारे आ, आज मेरे नौजवानों बासिक अर्जुन को बगल में बिठा लेते हैं और कहने लगे हे पारक आज हम एक खेल खेलना चाहते हैं। कौन सा? तो उसी समय सार पासु बंगा लेते हैं और क्या कहने लगे हैं? अरे जो हो ये तुम्हारी राजी। अरे पारक तू, अरे जो हो ये तुम्हारी राजी और ले खेल गर्व की बाजी। आज हम तुम गर्व की बाजी खेलते हैं। भारत बोले हम तुम्हारी बात का मकसद नहीं समझे। समझ जाओगे यदि तुम्हारे पुत्र पैदा हो और मेरे पुत्री हो तो तुम अपने लड़के को मेरी पुत्री के साथ विवाह कर ले जाना। यदि तुम्हारे पुत्री हो मेरे पुत्र हो तो मैं तुम्हारी पुत्री के अपने पुत्र के साथ विवाह कर लाऊंगा। अच्छा ये बात है। हाँ क्या हुआ मेरे नौजवानों? अरे जो पीछे करे तगादी 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 ताको देखेगी गंगा जी। इस प्रकार से उन्होंने गर्व की बाजी खेली और कैसा खेल हो रहा है मेरे नौजवानों? ले पांडे पांडे सु सुमेरे गन्ने से धरन पे डारे। अर्जुन आहा पास से लेकर के और गणेश को सुमर के कैसे डालते हैं और क्या हुआ? ले पासे पन्ने से सुमेरे गन्ने से धरन पे डारे। अरे जाके पोबारे पड़ गए रे के पेके बड़े मतवारे। अर्जुन कहने लगे हैं कि लीजिए अब आप है के पास बासिक बंधु पासे हाथ में ले लेते और क्या हुआ? अरे फिर हाथ में नए डारे जब दए सो मेरे हरि प्यारे सो मेरे हरि प्यारे जग पर गए काने तीन रे ही ये मैं बास कुहारे। जैसे ही बासिक ने पासे धरनी पे डाले एकदम से तीन काने पड़ जाते हैं। अर्जुन हंसने लगे हैं, अरे बासिक हम बाजी जीत चुके हैं। हाँ क्यों नहीं महाराज, आप जीत गए बाजी, लेकिन बंधुओं बासिक आज हृदय में दुखी हो जाता है। अरे बाजी बासिक हार गयो है। खत्म कर देते हैं। आज बासिक हार गए, अर्जुन वहां से चले आते हैं दुखी होकर के। बासिक आज महल के लिए चला और क्या हुआ? अरे फिर बासिक महल में आयो भैया देखता नारे ने पलेंगो नवायो। आज
से ही महल में प्रवेश हुए और जो नागिनी ने देखा झपट के पलका को नवा दिया। मेरे नौजवानों पास बैठ जाते हैं और क्या, अरे पिया क्यों रही उदासी छाए, अपनी ताशी को मेरे सजना न कदियो भेदो तो काला पड़ रहा है, क्या बात है, कौन सी उदासी छा ये महाराज, मुझे साफ साफ बता दो। वासिक आंखों में आंसू भर लाते हैं, कहने लगे हे प्यारी क्या बताए तुम्हें। नाना महाराज बताइए मुझे। ए सुनो हमारी नारी गजब की सारी आज हमारे, हे प्यारी यहाँ अरज न वीर बड़े तो गजब दिखाए करे नारे। क्या कहा, हाँ आज हम गर्व की बाजी हार चुके हैं महाराज, मैं समझ नहीं पाई। सुनो, अरे जो जन्मी तन धीय हमारो जिया जाए बिन मारे, जाए बिन मारे। अब मैं तो हुआ कहने लगे हैं, ओ नागिनी यदि तूने पुत्र को जन्म दिया तो जानो हम मारे गए। बंधुओं आज इस प्रकार से जो नागिन ने सुना है आंखों में आंसू भर के कहने लगी है पिया सुनो। तब सुने वासिक के बहनों नागिनी बोली, अंतर घट की गांठ नहर ने खोली। स्वामी इसमें मेरा क्या दोष है, मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो अंतर घट की गांठ भगवान के हाथ है। नहीं नहीं नागिनी मेरी ओर देखो महाराज, जाकी खबर नहीं भरता हाँ। आज मेरे नौजवानों इस प्रकार से नागिनी कहने लगी है, हे स्वामी ये तो भगवान के हाथ है, या मेरे पुत्र हो या कन्या। वासिक कहने लगे नहीं 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 नागिनी नहीं, तुम्हें हमारी कसम है हम अपने प्राणों को छोड़ देंगे यदि तुमने पुत्री को जन्म दिया तो। आज बंधुओं नागिनी रोने लगी और कहने लगी स्वामी, अरे जो मैं कन्या प्रीतम जाऊं प्रणत, जो मैं कन्या स्वामी जाऊं तो मैं मालूम होते ही मैं पुत्री का गला घोट के
राजवार जो इस प्रकार से नागिनी ने कहा तो वासुक को कुछ संतोष हो जाता है और यह कह करके वहां से कचहरी के लिए रवाना हो जाता है। इधर मेरे नौजवानों कुछ समय बीते, धीरे धीरे वासुक उसी सोच में कहीं मेरे घर पुत्री का जन्म न हो जाए। इधर में पारथ हस्तिनापुर में खुशियां मना रहा है और भगवान से विनय करता है मेरे पुत्र हो। इधर बंधुओं अभिमन्यु के घर से जो उत्तरा थी वो गर्भ से थी, तो क्या होता है हुआ भैया? अरे बासी का घर जन्मी धिया, अरे बासी का घर जन्मी धिया भयो गजपुर में राजकुमार। खुशी हुई बंधुओं, पर क्या हुआ भैया? जन्म को मरने लयो दुख सब गयो खुशी अति छाई, अरे जलाकन को धलमाल रे के रोए को छोड़ देंगे। अब देव कुमारी को मारी को दार पार लगी जागी, ये भगवान मेरी रक्षा करो। हाय देव कुमारी को मारी को दार पार लगी जागी, जो पति जा जो पति को परी जाए खबर रे तो रहता मारे जियाई।
देख करके नागिनी रोती है और मोहित होती है। कहने लगी, मन में विचार करने लगी, यदि मैं इसका गला घोंटती हूँ तो मुझे ये पुत्री हत्या लग जाएगी और मेरे स्वामी को पता चलता है तो मेरा सुहाग लुट जाएगा, अब मैं क्या करूं। हाय हाय, इधर में पुत्री जब रोने लगी है तो एकदम से कंठ से लगा लिया उठा करके और क्या, अरे तू वकालई सोता भवन में, छुपा करके और एक नाग भेज दो, जाओ मेरे स्वामी से खबर कर आओ, जल्दी बुला के लाओ, क्या हुआ मेरे भैया। अरे कारो वहां से चलो रे सभा में भैया। वासुक प्रसन्न और क्या, अरे जब सुनिए नारी की वाणी, मेरे मन को छीन लिया है।
रोना नहीं समाता। कहने लगा, आज तूने मेरे मन को जीत लिया। ओ नागिनी, तूने मेरी लाज और मेरे प्राण बचा लिए। इधर मेरे नौजवानों, बासु को खुशी हो रही है, और इधर में क्या होता है सुनो। हस्तिनापुर में ए छाएगा एकदम स्वर सभा चौर जिक्र गई छाई। अरे लिखी अर्जुन को खत हाल रे दाओ तो भेज। चिट्ठिया बना करके अर्जुन के लिए लिख देता है, हमारी रानी के तो गर्भ ही खंडित हो गया। अरे अर्जुन, हमारी तुम्हारी नमस्कार। हाँ हाँ, और क्या हुआ? जो ही बंधु इधर वो चिट्ठिया अर्जुन पे पहुंची, मेरे पुत्र की मांग तो वकाली तूने। बासे का भूप बड़ो रे अन्यायी, झूठ लिख रहा है। तुझे गंगा माई देखेंगे। आज मेरे नौजवानों, धीरे धीरे दिन आगे गुजरते गए तो क्या होता है, जब दिन दिन सियानो भयो रे परिछत देखो लाला। वो भी 12 वर्ष की हो जाती है। आहा, क्या हुआ?